एक्टिंग सिखाई जा सकती है? मुश्किल है, मेरे को लगता है एक्टिंग सीखी जा सकती है, सिखाई नहीं जा सकती। आर्ची एक ऐसी मूवी है जो केस स्टडी बन चुकी है। ये ऐसी मूवी है जिसको कुछ बड़े क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि फिल्म की कहानी खास नहीं थी, बट एक्टर्स अच्छे मिल गए और वो काफी एक्साइटेड हैं टू सी देम इन अदर प्रोजेक्ट्स। Really, dude? अब ये फिल्म एक मिसाल है कि अच्छे डायरेक्टर भी बेकार फिल्म बना सकते हैं, बट ये हुआ कैसे? बिकॉज जोया की अब तक जितनी भी मूवी आई हैं उनमें से ये स्टैंड आउट करती है इन अ बैड वे। लक बाय चांस उनकी फर्स्ट फिल्म और वो काफी रिफ्रेशिंग थी। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा अगेन, इट वॉज अ किक-ऐस मूवी जो आप अपने दोस्तों के साथ कई बार देख सकते हो। गली बॉय मस्त मूवी, मेड इन हेवन एक अलग ही दुनिया दिखाती है, और उसके बाद आई द आर्चीज। बट उनमें और इस मूवी में इतना डिफरेंस क्यों? हम सबको पता है कुछ हद तक स्क्रीन प्ले, बट द रियल प्रॉब्लम्स आर द एक्टर्स। और जो तीन मेन लीड को छोड़ दें तो बाकियों को इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम भी नहीं मिला, तो उनकी कोई गलती नहीं है इसमें। तो मेन लीड जो बड़े लोग हैं उनसे जोया तक भी काम नहीं निकलवा पाई। अब इंटरव्यू में शी कांट से इट ओपनली बट इट्स द ट्रूथ, और इससे ही नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड है। अब जैसे लास्ट पॉइंट में मैंने कहा था कि जोया भी इन एक्टर को यूज नहीं कर पाई, और ये जोया को अच्छे से पता होगा बिफोर द फिल्म, बिकॉज फिल्म बनाने के लिए दे हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। ये कोई क्रिकेट मैच नहीं है जहां सब कुछ लाइव चल रहा है और दूसरा टेक नहीं मिलेगा, सिर्फ एक चांस है। बट यहाँ पर और यहाँ फिल्म में 10-20-50 टेक भी ले सकते हैं, बट जोया न्यू कि टेक से कुछ नहीं होने वाला, कितने भी टेक दे दो चीज वही निकलेगी। तो जैसे ही सिचुएशन में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता था, जहां पे बड़े मोनोलॉग और बैक एंड फोर्थ डायलॉग चाहिए थे, वहां सॉन्ग डाल दिए, बिकॉज सॉन्ग तो लिप सिंक हो जाएंगे और ये डांस भी कर ही लेंगे। मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि लीड कास्ट इस प्रोजेक्ट में प्रिपरेशन के बाद आई होगी, और उनके पास स्पेशली तीन के पास पूरा एक्सेस था टू हायर द बेस्ट एक्टिंग कोचेस मनी कैन बाय, बट जोया न्यू इनसे नहीं होगा और उन्होंने बना दी म्यूजिकल। तो इस वजह से ये फिल्म म्यूजिकल बनी जिसमें 15 से 16 गाने आई थिंक डाले गए हैं। अब इस मूवी में लीड इनके एक्टिंग प्रोस के हिसाब से नहीं, एक्टर की फैमिली के स्टेटस के हिसाब से बांटे हुए हैं। जैसे आर्ची का कैरेक्टर मिला अमिताभ जी के ग्रैंडसन को, वेरोनिका का कैरेक्टर मिला सुहाना द डॉटर ऑफ किंग खान को, और बेटी का कैरेक्टर मिला खुशी कपूर डॉटर ऑफ पोनी कपूर को। बाकी के कैरेक्टर बांट दे बिकॉज उन कैरेक्टर का रोल भी ज्यादा नहीं था। लीड का काम होता है टू कैरी द फिल्म ऑन देयर शोल्डर, बट यहाँ तो लीड ही दूसरों के कंधों पर सवार थे, तो क्या ही कहना। बट एक चीज मैं बता दूं, ये तीनों लीड अगस्त, सुहाना, खुशी ये कहीं जाने वाले नहीं है, अभी कई और मूवीज में आएंगे। और अगस्त को तो श्रीराम राघवन की फिल्म भी ऑफर हो चुकी है, आई थिंक इट कॉल्ड 21। अब ऐसे डायरेक्टर जब इतने पॉलिश्ड एक्टर को लेंगे तो जो दिन रात लगे हुए हैं एक्टिंग सीखने के लिए उन्हें कैसा महसूस होगा, पता नहीं श्रीराम जी की क्या मजबूरी होगी। बट हाँ, जब सिर्फ आउटसाइडर के ऑडिशन होते होंगे तो ये वहां उसी को सिलेक्ट करेंगे हु इज द बेस्ट, बट जिसको श्रीराम जी ने लिया है इज ही द बेस्ट, बट उससे फर्क नहीं पड़ता बिकॉज मीडिया हाउस इसकी ऐसी इमेज बनवाएंगे और इतना पैसा पंप किया जाएगा टू बिल्ड हिज इमेज एज द बेस्ट गाय, और वो दिखता भी अच्छा ही है और वो कोई बुरा लड़का नहीं होगा आई एम श्योर, बट हिम बीइंग द लीड इन अनदर फिल्म सेट अ बैड प्रेसिडेंट, सेम विद सुहाना, बिकॉज वो आने वाले टाइम की सबसे बड़ी एक्ट्रेस बनेगी, चाहे वो एक के बाद एक फ्लॉप देती जाए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट कोई ना कोई एक फिल्म तो इसकी हिट हो ही जाएगी, हो सकता है दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी, वो हम नहीं जानते, बट होगी जरूर। उसकी स्क्रीन पर देख देख के ऑडियंस भी उससे यूज्ड टू हो जाएगी, उसको देखने की आदी हो जाएगी, और फिर उसकी जो बुरी एक्टिंग है वो भी शायद दबने लगेगी। और इतनी 5-6 फिल्में अगर मैं आपको दे दूं तो कोई भी जिस नॉन एक्टर है वो भी एक्टिंग सीख जाएगा 5-6 फिल्म, यानी 5-6 फिल्म का मतलब कम से कम 4-5 साल अगर आप एक ही काम करते रहोगे और सब आपको पुश करते रहेंगे और सब आपको अप्रिशिएट करते रहेंगे झूठेगा तो आप अच्छे बन ही जाओगे, क्योंकि अब वो इससे बेकार तो नहीं कर सकती अपनी फर्स्ट फिल्म से, अब इससे बेहतर ही होती जाएगी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि काफी न्यूज़पेपर्स, सब नहीं बट मोस्ट ऑफ देम, इन एक्टर्स की तारीफ कर रहे हैं फॉर पोर्ट्रेइंग देयर कैरेक्टर्स इन आर्ची मूवी। अब वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसके तीन ही कारण हो सकते हैं। पहला, उन जर्नलिस्ट ने कभी कोई अच्छी मूवी या एक्टिंग देखी ही नहीं है और उन्हें ये लग रहा है कि ये कोई ग्राउंड ब्रेकिंग एक्टिंग और मूवीज उन्होंने देख ली है, या ये जर्नलिस्ट इन स्टार किड से डरते हैं और इनकी चापलूसी में अच्छा अच्छा लिख रहे हैं, या फिर ये बिक चुके हैं और इन एक्टर की पीआर एजेंसी ने अच्छा खासा पैसा इनके मुंह में भर दिया है इसीलिए वो ऐसा लिख रहे हैं। अब एक इंटरव्यू में जोया कहती हैं कि हमने 3 स्टार किड्स के अलावा 4 नॉन स्टार किड्स को भी इंट्रोड्यूस किया है, उनके बारे में पब्लिक क्यों कुछ नहीं बोल रही। एक्चुअली अगर आप न्यूज आर्टिकल देखो तो उनके तो आर्टिकल में 1 या 2 लाइन का ही मेंशन मिला है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, और बाकी 3 स्टार किड्स पे हर तरह के 36 आर्टिकल हैं कि वो कहां लंच कर रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, क्या ड्रेस पहनी हुई है, कहाँ जा रहे हैं, उन्हें क्या अच्छा लगता है, उनके लाइक डिसलाइक सब चीज के बारे में। और वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपनी पीआर एजेंसी से वो छपवाए हुए हैं, पीआर एजेंसी पैसा देती है
है न्यूज़पेपर्स को और न्यूज वेबसाइट्स को टू रोट दिस टाइप ऑफ आर्टिकल ताकि वो उनको कवर करें। जब मीडिया ही पैसे लेकर उनके बारे में न्यूज पंप कर रही है तो लोग उनकी ही बात करेंगे ना। बट आई एम श्योर बाकी के चार एक्टर कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेंगे इन द फ्यूचर। बट एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि स्टार किड विल रूल द बॉलीवुड बिकॉज ये कहीं जाने वाले नहीं है। और इसी रिलेटेड मेरी एक और वीडियो है जो यहाँ पे दिख रही है, अगर आप देखना चाहो तो वो देख सकते हो। तो बैक टू द वीडियो, ये एक्टिंग मूवीज करते करते ही सीखेंगे ऑन द एक्सपेंस ऑफ ऑडियंस यानी हमारे एक्सपेंस पे। और दूर क्यों जाना, जानवी कपूर की फर्स्ट फिल्म में सबने कहा था मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जिन्होंने अच्छी मूवी देखी हुई है कि वो एक्टिंग की माँ बहन कर रही है, बट तब भी उसे मूवी मिलती गई। और अब कुछ सालों में सब उसको अच्छी एक्ट्रेस भी बोलना शुरू कर देंगे और कुछ ने बोलना भी शुरू कर दिया है शायद। इट्स ओके कि उनकी फैमिली आर इन्वॉल्व इन एंटरटेनमेंट बिजनेस, वो फिल्मों में आएंगे, बट एटलीस्ट अच्छे से प्रिपेयर तो कर लें इन सम थिएटर और एक्टिंग क्लास। और इनमें से कोई है जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में गया हो या फिर जाना चाहता हो जहां से बेस्ट एक्टर निकलते हैं, बट इनको NSD की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज वो एक्टर बनने के लिए आए ही नहीं है, उन्हें तो सिर्फ स्टार या सुपरस्टार बनना है। चलो अब क्या कहें, हर कोई तो अब रणबीर कपूर की तरह नहीं होता ना जो एक्टिंग को इतना सीरियसली। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।